हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर 6 से 7 स्टेप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास वीवो या आईक्यू का फ़ोन है तो इसमें आप 7 स्टेप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन कौन से, वो इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाता है, 3 फिंगर से जब आप स्वाइप डाउन करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अरे, 3 फिंगर से जब आपको स्वाइप डाउन करेंगे स्क्रीन पे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, गॉट इट कर देंगे। ओके, अब आप 3 फिंगर जब स्वाइप डाउन करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन देखने मिल जाता है, सेकंड पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, जब आप दोनों एक साथ प्रेस करते हैं तब आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। इस प्रकार से आप बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन में नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर लेना है, और आपको यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है एस कैप्चर नाम से। तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एस कैप्चर पर जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है लॉन्ग स्क्रीन शॉट, रेक्टेंगल कर स्क्रीन शॉट, फनी स्क्रीन शॉट। तो एक तो आप यहाँ से रेक्टेंगल कर पर जाएंगे, जो भी आपको चाहिए जितना आप यहाँ से सेट करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं, और डबल करना है तो इसे आप डबल भी यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर लेंगे, और इसे कैंसिल भी करना चाहिए तो कैंसिल कर देंगे। इसके बाद आपको फोर्थ ऑप्शन भी बताएं, तो फिर से आपको ऐसे ही ओपन कर लेना है, एस कैप्चर में जाएंगे। एस कैप्चर में जाने के बाद यहाँ मिल जाते हैं फनी स्क्रीन शॉट, फनी स्क्रीन शॉट पर जाएंगे आप। यहाँ से फनी स्क्रीन शॉट में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दो मिल जाते हैं सेव्ड, सेव पे आपको क्लिक कर देना है, सारी सेव मिल जाती हैं, जिस भी सेव में आपको स्क्रीन शॉट लेना हो यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी सेव दे सकते हैं आप। जो भी इसमें सेव को चाहिए वो आप में इसमें देखने को मिल जाती है, किसी भी सेव में आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जिस भी सेप में चाहिए सिंपली आप उसी को यहाँ से क्लिक करेंगे, और इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप जो भी चाहिए आपको इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डबल आई स्क्रीनशॉट एक बार में लेना है तो आप इस प्रकार से डबल स्क्रीनशॉट भी अपने फ़ोन के अंदर ले सकते हैं। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव कर देंगे, तो सेव करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर कुछ इस प्रकार से स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसे सेव कर लेंगे आप अपने फ़ोन के अंदर। चलिए, इसे आप यहाँ से सेव कर देते हैं। अगर आपको अपने हाफ स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए या फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो कैसे ले सकते हैं फुल पेज का स्क्रीनशॉट, तो उसके लिए सेटिंग को ओपन कर लेना है। अपनी सेटिंग वाले एरिया में आ जाएंगे, यहाँ से आपको इस प्रकार से आप 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिक स्क्रॉल करेगा आपका फ़ोन। जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो जितना भी आपको चाहिए वहाँ तक जाके आप इसे सेव कर देंगे, और आपके फ़ोन के अंदर एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट आ जाता है। अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर हाफ पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए तो हाफ पेज का भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से 3 फिंगर प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तब भी आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।